नमस्ते किसान साथियों, मैं विजय और आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इनोवेटिव फार्मर्स पर। और किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक भूसा बनाने की मशीन के बारे में। किसान साथियों, हम जब सोयाबीन और गेहूं को जब हार्वेस्टर से कटवाते हैं तो उनके जो बड़े बड़े टुकड़े बचते हैं उनसे इस मशीन के द्वारा भूसा बनाया जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस रिपर के द्वारा अभी तुलसी की कटाई के कंबाइन मशीन से कटाई के बाद जो फसल अवशेष बचे हैं उनका भूसा तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार से इस रिपर के द्वारा सभी फसलों के जो कंबाइन मशीन से कटाई के बाद जो भी फसल अवशेष बचते हैं उन सभी फसल अवशेषों का इसके द्वारा भूसा तैयार कर दिया जाता है। किसान साथियों, इसमें भूसा भरने के लिए जो आप पीछे ट्राली देख रहे हैं, ये ट्राली हमारे जो सामान्य ट्रैक्टरों की ट्राली होती हैं ये वही ट्राली हैं। और उसमें साइडों में जुगाड़ के द्वारा जालियां लगाई गई हैं और पीछे की तरफ चद्दर के द्वारा गेट बनाए गए हैं जिससे कि इसे आसानी से खाली किया जाता है। और जैसा आप देख रहे हैं इस रिपर से एक पाइप आ रही है जो किसी भी ट्राली में गिर रहा है, उसी के द्वारा जो भूसा होता है वो इस ट्राली में गिरता है। किसान साथियों, इसके जो चेजिस की जो चौड़ाई है वो 1574.80 मिलीमीटर है और इसका जो गियर बॉक्स है वो हेवी ड्यूटी का बना हुआ है। इसके ड्रम में ब्लेडों की संख्या 288 है और इसी के साथ इसके जो बास्केट है उसमें ब्लेडों की संख्या 35 है। ये विश्वकर्मा कंपनी पंजाब का है। किसान साथियों, इसका जो वज़न है वो 1800 किलो के लगभग का है और इसकी कीमत लगभग 2,70,000 रुपये के आसपास है। इस रिपर का जो मॉडल है वो विश्वकर्मा 741 है। किसान साथियों, यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उनका एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।